हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवले का अचार। आंवले के बारे में कौन नहीं जानता। आप इसको किसी भी रूप में खाइए, उबाल के खाइए, कच्चा खाइए, अचार बना के खाइए, पाउडर, यानी आप किसी भी रूप में इसको लीजिए, आपको ये फ़ायदा ही पहुँचाने वाला है। सभी जानते हैं इसके बारे में। आज मैं आंवले का कच्चे मसाले वाला अचार बनाने जा रही हूँ, जो कि आप इसे सर्दियों में, जैसे ये होता है कि आंवला ठंडा होता है, कुछ लोगों का कहना होता है, तो उसको हम उबाल देंगे तो उसकी तासीर जो है, जो ठंडे वाली है, वो ख़त्म हो जाती है। और हम इसको बना के रख लीजिए, खाइए आप ठंडी में, इसकी कोई ठंडी नहीं होती और बहुत फ़ायदा करता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आंवले का अचार बनाने के लिए मैंने ये आंवला लिया हुआ है। इसको आप एक बार धो के अच्छे से, आप इसको कुकर में रख के एक सीटी फुल फ्लेम पे, सिर्फ एक सीटी आने तक इसको उबाल लीजिए। मैंने आंवले को धो लिया है, अब इसको मैं कुकर में ऐसे ही रख दूंगी। मैं इतने आंवले में एक छोटी, मतलब 100 ग्राम तक पानी रखूंगी बस, और एक सीटी फुल फ्लेम तक आने तक इसको उबाल लूंगी। और ये मेरा कुकर, मैंने आंवला उबाल लिया है, प्रेशर पूरी तरह से नहीं निकला था, मैं उसे निकाल दे रही हूँ, सिर्फ एक सीटी आई है और हमारा आंवला उबल गया। ये देखिए इतना बढ़िया उबल गया कि ये देखिए अपने से ही अलग हो जा रहा है। अब हम इसको छान लेंगे। मैंने इसको पानी से अलग कर लिया। मेरा ये उबल के आंवला तैयार हो गया। और ये देखिए, जब ये इसको हम ठंडा हो जाए ये, तो इसको हम ऐसे ऐसे फांक करके इसकी अलग कर लेंगे ऐसे, और इसका पानी सूख जाए। आप पंखे की हवा में, धूप की हवा में कैसे भी सुखाइए, इसका पानी सूख जाए तब हम ये अचार बनने लायक होगा। तो इसका हम पानी सुखा लेंगे अभी। और ये देखिए मेरा ये आंवला सूख गया पूरी तरह से, एकदम वो वाला नहीं सूखना चाहिए, बस इसका पानी जो लगा रहता है उबालने पर वो सूख जाना चाहिए बस। और अब मैं बनाऊंगी इसका अचार। इसमें ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है, बस ये हरी मिर्च, इसमें लाल मिर्च भी नहीं डालती मैं, और ना ही जिसको डालना है, ये है थोड़ी सी धनिया, ये थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, अगर आप खाते हैं तो डालिए, आप नहीं खाते तो इसको भी स्किप कर दीजिए। और ये सरसों दाना, काली सरसों का दा है, इसको इतना हम 2 चम्मच डालेंगे। अब मुझे सभी पीस करके ले लेना है। मेरे अचार का मसाला जो अभी मैंने पीसना था, मैंने पीस लिया है इसको। अब मैं बनाने चल रही हूँ अचार। ये मेरा आंवला, और अभी मसाला जो मैंने पीसा उसको मैं इसमें डालूंगी। सिर्फ 1 चम्मच पानी डाल के, कि जितने भी पीस जाए बस उतना ही पानी डालना है, पानी वानी ज़्यादा नहीं डालना इसमें, क्योंकि हरी धनिया होती है, लहसुन होती है, तो उससे पिस जाता है। फिर भी थोड़ा सा हमको 1 चम्मच डालना पड़ता है बारीक करने के लिए। तो हम सब इसमें डाल लेंगे। मैंने मसाला मिला दिया, और ये हल्दी 2 चम्मच हल्दी, इसी चम्मच से 2 चम्मच सरसों का तेल, 1-2 नमक टेस्ट अनुसार, क्योंकि थोड़ा सा मेरा ज़्यादा है तो उसी हिसाब से सब चीज़ डाल रही हूँ। इसको आप हाथ से मिलाइए, चम्मच से मिलाइए, कैसे भी मिला लीजिए, खूब अच्छे से मिल जाना चाहिए बस। इसमें मसाला के नाम पे बस यही 3-4 चीज़ें जो मैं डालती हूँ, मसाला के नाम पे तो सिर्फ हल्दी है, बाकी तो हरी धनिया, हरी मिर्ची और लहसुन की कली और सरसों, यही इतना चीज़ इसमें पड़ता है। इसको पूरी सर्दी में आप लोग बना बना के एक बार ले आइए, बनाइए, फिर खा के उसको ख़त्म करिए, फिर दूसरा ले आइए। और इसमें कुछ करना भी तो नहीं होता, बस ले आइए, उबालिए, इसकी कलियाँ लगकर हल्का सा पानी सुखाइए, और बस यही मसाला मिला के बना लीजिए। बाहर रख के 10 से 12 दिन खा सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए 20 दिन खा सकते हैं, 25 दिन खा सकते हैं। मैं पूरी सर्दियों में इसको बनाती रहती हूँ, बस ऐसे ही ले आती हूँ, बन जाता है, खा लेने जब ख़त्म होने लगता है फिर बना लेती हूँ।
और हमारा ये पूरी तरह से हमारा मसाला तैयार हो गया अचार, जो बहुत दिनों तक रखते हैं, साल डेढ़ साल के लिए अचार बनता है, उसमें मसाले बहुत लगते हैं, वो अचार मैं नहीं बनाती हूँ, ये मौसम वाला ही मैं बनाती हूँ। आप लोग भी इसको बना करके रखिए, उसमें बहुत ज़्यादा मसाला लगता है उस अचार में, इसमें बहुत कम लगता है और टाइम भी बहुत कम लगता है और फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो मैं इसी को बनाती हूँ, आप लोग भी एक बार बना के इसको ट्राई करिए और खा के देखिए, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ईजी होता है और फ़ायदे तो आप जानते ही हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।